कोरोना के चलते देश में हुए लॉकडाउन के कारण देश के अनेक व्यापारिक नगरों से मजदूरों के पलायन करने की विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पलायन की अब तक की सबसे भयावह तस्वीर लॉकडाउन के चलते पलायन करने का सिलसिला जारी है। देश में कोविड 19 कोरोना के बढ़ते कहर से बचने के लिए देश में तीसरी बार लॉकडाउन की घोषणा की गई। ऐसी परिस्थितियों में सबसे अधिक प्रभावित देश के व्यापारिक नगरों में काम की तलाश में गए मजदूरों हो रहे हैं जो कि भूखे मरने के कगार पर पहुंचकर अपने घरों के लिए पैदल ही चल दिए। ऐसे मजदूरों के झुंड अक्सर देखने को मिल रहे हैं जो भूखे प्यासे मासूम बच्चों को लेकर हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों को पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। कहीं पर इन्हें पुलिस का सहयोग मिल रहा है तो कहीं इनके भूखे पेट में पुलिस की गालियां और लाठियां मिल रही हैं। कुछ भी हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में पलायन करने की इतनी भयानक तस्वीरें सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। और दुनिया के सामने भारत की क्या छवि उभरकर सामने आई है यह सभी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आपका राम कुमार। तो आप कहाँ से आए यहाँ पे? कानपुर से। तो जाएंगे कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो क्या करते थे कानपुर में? लेबर मिस्त्री। तो फिर क्यों चले आए? अब वहाँ काम नहीं चल रहा है सर, काम बंद है। क्या नाम है आपका? अनीता। तो आप कहाँ से आ रही हैं अभी? कानपुर। जाएंगी कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जाएंगी। तो यहाँ कैसे आई आप? यहाँ तक पैदल आ रहे थे। अच्छा, ट्रक वाले ने रोका तो साधन मिल गया तो आ गए। वहाँ कैसे जाएंगी? वैसे लिफ्ट लेते लेते चले जाएंगे, ऐसा पैदल आता है लिफ्ट लेकर। क्या नाम है आपका? हमारा लालू। तो आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम अभी आ रहे हैं कानपुर से। कानपुर से। तो कहाँ जाएंगे आप? जाएंगे छत्तीसगढ़ जाएंगे भैया। कानपुर में क्या करते थे? यहाँ काम कर रहे थे। अच्छा, काम कर रहे थे। तो कानपुर से यहाँ कैसे आए? भैया आ रहे हैं, गाड़ी पा रहे हैं तो बैठा लेते हैं, उसमें चले जाते हैं, उसमें फिर पैदल करते, कोई रोक लेता है गाड़ी तो फिर बैठ जाते हैं।